आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। अपने भतीजे के जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गए चाचा की वापस आते समय सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना रायपुर कर्फलियान थाना के नौड़िया मोड़ के समीप रात तकरीबन 9 बजे की बताई जा रही है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार नागेश्वर प्रसाद अवस्थी ग्राम महुआ से रीवा अपने भतीजे आदर्श के जन्मदिन में शामिल होने आए थे। रीवा से रात तकरीबन 9 बजे जब वह अपने गांव वापस महुआ जा रहे थे, तभी नौड़िया मोड़ के समीप तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हमारे चाचा जी का एक्सीडेंट हुआ है 12:30 बजे करीबन नौरिया मोड़ में रामनई के पहले, और वो यहाँ से रीवा से रायपुर कर्सुलियान ग्राम महासुआ जा रहे थे, उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ है जी। इसकी जानकारी तो अब पता नहीं ट्रक से हुआ कि खड़ी वाहन से हुआ, मगर अज्ञात है ये चीज़। और सूचना कैसे मिली आपने? सूचना हमको मिली उनकी लड़की के पास फ़ोन आया, और उनकी लड़की के पास जब फ़ोन आया तो फिर हमारे पास फ़ोन आया, फिर हम तुरंत आनन फानन में यहाँ पहुँचे, और फिर उसके बाद पूरी जानकारी लिए असिस्टेंट यहाँ से। तो उन्होंने पहले ही मृत घोषित कर दिया था, ECG चेक किए थे उन्होंने, तो ECG में कुछ ऐसा कुछ हार्ट बीट ऐसा कुछ नहीं था। वो बर्थडे का निमंत्रण था, वहाँ से बर्थडे का निमंत्रण उनके छोटे भाई का था जी, उनके छोटे भाई का बर्थडे था, तो उसी में गए थे, और वहाँ से हो गया खाना पीना खा के लौट रहे थे अपने गृहग्राम महासुआ के लिए। तो उसी दौरान 12:30 के करीबन उनकी डेथ हो गई। अकेले थे मोटरसाइकिल? वो अकेले थे मोटरसाइकिल, उनका नागेश्वर प्रसाद अवस्थी था, निवासी महासुआ रायपुर कर्सुलियान।